मक्खन लाइफ बॉय सूप, अब मौसम बदलने का कोई डर नहीं। शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। शादी से पहले सोचा तो था, इधर उधर दिल होता तो था। कहीं छिन जाए ना आजादी, गिर खिले ना सपनों की बातें। एक रिश्ते में बंध कर लेकिन जोड़ ले सब बंधन, कभी छूटे न पिया आंगन, कभी छूटे न पिया आंगन। वक्त चला कर देख ले पत्थर, तोड़ न पाएगा ये दर्पण। कभी छूटे न पिया आंगन, कभी छूटे न पिया आंगन। चलो भाई लेट ही सही, खुशी इस बात की है कि तुम्हें हमारी पसंद पसंद आ गई। क्या जी आपकी, कितना सुंदर लग रहा है, मुझे आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार मुझे पता लगा है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। अरे रुको रुको नंदी, ये क्या कर रही हो, ये सारे तुम्हारे लिए नहीं है। इसमें स्वाति के लिए भी है, ये उसके शादी के जेवर है। स्वाति के लिए? नहीं नहीं, मैं तो अपने जेवर भी उतार देती हूँ, उसे ही दे दो। कैसी बातें कर रहे हो नंदन, बात करने लायक छोड़ा ही कहा है आपने। ये लीजिए, और एक काम करती हूँ, लॉकर में जो पड़े हैं ना वो भी सब ला कर देती हूँ। अरे वो ही क्यों, ये फर्नीचर टीवी फ्रिज सारा का सारा सामान हम स्वाति को दे देते। अरे सामान ही क्यों, पूरा का पूरा घर ही उसे दे देते। आप एक काम करो, आप हरिद्वार की टिकट कटवा दो हमारे लिए। अब इन लोगों की शादी के बाद हमें तो वहीं रहना है ना, बाबा जी के आश्रम में। और मैं एक काम करूंगी, दिन भर भीख मांग लिया करूंगी, आप उसी भीख को अगले दिन स्वाति को मनी ऑर्डर कर दीजिएगा। हाँ खुश है ना? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदनी। लेकिन मुझे आपसे ऐसी उम्मीद थी। जय श्री कृष्ण यजमान जी। अरे पंडित जी। जय श्री कृष्ण। आइए प्लीज प्लीज, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बैठिए पंडित जी, अब मेरी शादी के लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाल दीजिए। हाँ अवश्य, लेकिन जरा आप धैर्य रखिए। कुछ मिला यजमान जी? आप बहुत ही उतावले व्यक्ति हैं। अरे भाई ये तिथि और शुभ मुहूर्त निकालने का मामला है, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें सारे ग्रहों की स्थितियों को देखना पड़ता है, नक्षत्रों के साथ घुड़ा भाग करना पड़ता है, तब जाके शुभ मुहूर्त निकलता है। जी तो कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकाल दे। भाई इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये हमारा प्रतिदिन का काम है। आप संकट ही संकट दिखाई दे रहा है, केंद्र में राहु शनि वक्री शुक्र दक्षिणगामी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम क्या पंडित जी? यजमान जी संकट ही संकट है, कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकलता दिखाई नहीं दे रहा है। जरा प्लीज फिर से देखिए। हाँ देख रहा हूँ। अरे भाई आशा ही जीवन की राह है, देखता हूँ। पंडित जी ये पोथी पत्र सब आप रहने दीजिए, ये सब बकवास है, जो मैं कह रहा हूँ वो कीजिए, कल की तारीख निकली। यजमान जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपका दिमाग तो ठीक है? अरे ये पोथी पत्रा कोई आज का लिखा हुआ नहीं है, अरे भाई इसे कई हजार साल पहले हमारे देव ऋषियों ने लिखा है और आप इसी का अपमान कर रहे हैं। यजमान जी आप बुरा मत मानिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत ही खराब है। पंडित जी किस्मत मेरी नहीं, आप ही खराब। आप मेरी शादी की तिथि निकाल रहे हैं या फिर मैं आपकी तिथि निकाल दूंगा। अरे आप तो
ठाकुर मान गए। अरे भैया जान है तो जहान है, मैं अभी निकालता हूँ, अभी देखो सबर रखिए ना, अभी अभी निकालता हूँ, एक मिनट। अरे भैया वही हाल हुआ, बगल में छोरा गांव में डिडोरा। अरे कल का ही मुहूर्त बहुत बढ़िया है, कल 8 बजे से लेकर 10:40 तक बहुत ही बढ़िया शुभ मुहूर्त है। अच्छा 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 भैया अब मैं चलता हूँ। आप तो दक्षिण। अरे 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 इसकी क्या जरूरत है, आप रहने दीजिए, रख लीजिए, मुझे बख्श दिया बहुत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कितनी रौनक लग रही है ना इस घर में, समीर के जाने के बाद एक अजीब सा सूनापन छा गया था इस घर में, लेकिन स्वाति की शादी से फिर से इस घर में खुशियां लौट आई हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि अब इस घर की खुशियां ऐसे ही बनाए रखना। क्यों राइट दादी, स्वाति भाभी की शादी से हम सब बहुत ही खुश हैं। स्वाति जैसी बेटी और बहू दोनों ही मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। आजकल की दुनिया में इतनी संस्कारी लड़कियां देखने को भी कहां मिलती है। सर्व गुण संपन्न है मेरी स्वाति। बात में दम तो है दादी, स्वाति भाभी मॉडर्न है और ट्रेडिशनल भी। मैं चाहती हूँ तुम भी स्वाति के पच्चनों पर चलो और ससुराल जाकर हमारा नाम रोशन करो। क्या दादी आप भी ना। अरे भाई बेटियां तो होती ही पराया धन है, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही पड़ता है, तुझे भी जाना पड़ेगा। नहीं दादी मैं नहीं जाने वाली, मुझे नहीं करनी है सब शादी वादी। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि स्वाति की दोबारा जिंदगी में खुशियां लौट रही है। बस सब कुछ हंसी खुशी संपन्न हो जाए तो मैं तो धन्य हो जाऊं। दादी भाभी कितनी लकी है ना जो हम सब उसे इतना प्यार करते हैं। हाँ बेटा या तो हमें भी उसकी बहुत आएगी, घर सुना सुना हो जाएगा। बेटा ये दुनिया किसी के जाने या ना जाने से रुकती तो है नहीं। मैंने स्वाति से बात की थी, वो भी हम सबसे बहुत प्यार करती है, उसे हमसे दूर जाने का गम है, शादी की खुशी का। कितना अच्छा होगा अगर भाभी इस घर से कभी ना जाती। बेटा दिल तो मेरा भी यही चाहता है, लेकिन उसके लिखे को कौन डाल सकता है। हेलो तानिया, सब रेडी है? ठीक है मैं ऑफिस आ रहा हूँ। हे दादी लगता है बारात आ गई, चलो चलो चलते चलते। हाँ बैंड बाजे की आवाज तो मुझे भी सुनाई दे रही है, चल चलते हैं। Thank you.
सेवितं कपिधजं मृफलचारु भक्षणम्। Oh my God, ये फौरन घर जाना होगा इससे पहले कि सिंदूर नीचे रखो। ये शादी नहीं हो सकती। अभी चलिए। ये क्या कह रहे हो श्लोक? मैं वही कह रहा हूं जो तू सुन रहा है। ये शादी नहीं हो सकती। श्लोक बेटा ये सब क्या है? अब जो मुझे आज पता चला है उसके बाद मैं विश्वास से कह सकता हूं कि ये शादी नहीं हो सकती। श्लोक देखो श्लोक, मैं जानता हूं कि तुम मुझे शुरू से पसंद नहीं करते हो और इसीलिए कई बार हमारा ऑफिस में लड़ाई हो चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह सबके सामने मेरी और अपने परिवार की बेइज्जती करो। देखो बेटा ऐसा मत करो, इस शुभ काम को होने दो। देखिए मैं सबके सामने अपना मुंह नहीं खोल सकता, जो मैंने कह दिया बस कह दिया। श्लोक बेटा इस तरह की जिद नहीं करते। बेटे तुम एक समझदार इंसान, ये बचपना और ऐसे शुभ मौके शोभा नहीं देता। आप लोग नहीं जानते इस विकी मजाज की असलियत, ये कितना गिरा हुआ और घटिया इंसान है। ये तो आप लोग खुद ही ये शादी से मना कर देते। विकी मैं तेरी असलियत जान चुका हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलके आ रहा हूं मैं। श्लोक बहुत कर ली तुमने बकवास और मैंने सहली फिर से संभार नहीं। अरे मैंने तो सोचा था कि एक विधवा का जीवन संवार दूंगा। लेकिन नहीं, इस घर में मेरा ऐसा अपमान होगा मैंने सोचा नहीं था। मैं ये शादी तोड़ रहा हूं, इसी वक्त तोड़ रहा हूं। विक्की बेटा नहीं, बेटा नहीं। अरे ये तो नादान है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? बस और बेइज्जती में सह नहीं पाऊंगा। विक्की मैं तुम्हारे बाप जैसा हूं, रुक जाओ बेटा। सॉरी सर, मैंने आपके खातिर बहुत बेइज्जती से ली। आप प्लीज प्लीज मुझे आप लोग माफ कीजिए प्लीज। विकी अरे कोई तो जाकर उसे रोको। विकी रुक जाओ। श्लोक अपनी भाभी का घर बसने से पहले ही तूने उजाड़ दिया। तुम जानते हो बेटा एक लाचार बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। एक ही जीने की ख्वाहिश थी, वो भी मेरी आंखों के सामने खत्म। क्या कर दिया तुमने श्लोक? अब क्या होगा मेरी बेटी का? तुमने हमें समाज के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रखा। देख देख इस दुल्हन को, जिसकी जिंदगी दो कदम बाद शुरू होने वाली थी, तुमने उन कदमों को ही रोक दिया। अब कौन करेगा इससे शादी? है जवाब तेरे पास? Thank you.
अब सिर्फ 10 रुपए में पेप्सोडेंट जर्मी चेक प्लस 95% तूने अच्छा नहीं किया तूने स्वाति सिर्फ और सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती, वो किसी और की नहीं हो सकती। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी हो तुम स्वाति, सिर्फ मेरी हो, मेरी हो। छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। स्वाति, 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 तूने, तूने मुझे मना क्यों किया? स्वाति, तूने मुझे मना क्यों किया? हेलो, मैं मंडप वाला बोल रहा हूँ, आप कहें तो ऑफिस में भी भिजवा दूं। अबे मेरी दुनिया उजड़ गई, तुम मंडप लगवाने के बिल मांग रहे हो? रख फोन, रख, रख। सॉरी, क्यों किया तुमने ऐसा? श्लोक, श्लोक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। स्वाति सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, वो किसी और की नहीं हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती वो। हेलो, हेलो, मैं किसा बोल रहा है? हाँ बोल रहा हूँ। साहब, मैं कृष्णा कंडे से बोल रहा हूँ, मिल लेके आ जाऊँ? अबे फोन रख, फोन रख, या मेरा बिल चल रहा है। हाँ, तुझे बिल की बढ़िया, हाँ तुझे बिल चाहिए, पैसे चाहिए तुझे, पैसे, हाँ फोन रख। साहब, किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। स्वाति,